डेढ़ साल से, और आप मुझसे बेहतर जानते हैं, चंद्रबाबू नायडू वो एड़ियां रगड़ रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे वेटिंग रूम में, बीजेपी वालों से हाथ जोड़ रहे थे मेरे साथ गठबंधन कर लो, और बीजेपी वेटिंग गेम खेल रही थी कि जगन के साथ जाएं कि चंद्रबाबू नायडू के साथ जाएं। पे बैक टाइम भी होता है राजनीति में भी और जिंदगी में भी। मुझे लगता है कि चंद्रबाबू नायडू इतना महत्वपूर्ण इसलिए नहीं है क्योंकि अभी भी भारतीय जनता पार्टी के पास यदि चंद्रबाबू नायडू एग्जिट करते हैं तो दो दल मेरे हिसाब से अभी भी वेटिंग में है। कौन है वो वेटिंग रूम में कौन है? आप याद करिए कि जब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और भारतीय जनता पार्टी के बीच जब तनातनी हुई थी तो शरद पवार जी का बयान याद करिए, उन्होंने कहा था कि हम बिना शर्त भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने को तैयार हैं। नंबर एक। नंबर दो, हम बार बार ममता बनर्जी को भूल रहे हैं। ममता बनर्जी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सरकार का हिस्सा रह चुकी है ममता जी, तो हमें ये रियलिटी कम फैंटेसी ज्यादा। मैं अपना देखिए, नहीं नहीं सुनिए ना राकेश भाई, अछूत कोई नहीं होता राजनीति में, ये हमने देख लिया। पर जब कल नतीजे आए, सबसे पहली बड़ी प्रतिक्रिया किसी बड़े राजनेता की तरफ से, जो चाहे इंडिया खेमा हो या एनडीए खेमा, वो शरद पवार की आई थी। देखिए, प्रतिक्रिया परिस्थिति पर निर्भर करती है और निर्णय भी परिस्थिति पर निर्भर करता है। आज तो आपको लगता है शरद पवार आउटसाइड सपोर्ट या कुछ ऐसा काम भी कर सकते हैं? कर सकते हैं, क्योंकि शरद पवार और भारतीय जनता पार्टी कहीं अछूत नहीं है। अछूत नहीं है जी, आप ये कह रहे हैं, पर मुझे ये दूर की कौड़ी लगती है। देखिए, ऐसा है कि राजनीति संदीप जी किसी परिदृश्य में होती है, किसी परिस्थिति में होती है, और जो परिस्थितियां बनी हैं, ये ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी का बहुमत नहीं आया है, पर यह भी सही है कि अगर पूरे चीज़ों को देखें तो लगता है कि मैंडेट इंडिया गठबंधन के साथ भी नहीं है, और चंद्रा बाबू नायडू और नीतीश कुमार ये बहुत बड़ी गलती करेंगे अगर वो इधर से उधर हुए, और ये वाजपेयी सरकार नहीं है, ये मोदी जी की सरकार है, तो बहुत निगोशिएशन करने की उनके पास भी गुंजाइश नहीं है। मुझे तो लगता है पूरी गुंजाइश है। किसकी? टीडीपी और जेडीयू के पास 31 का फासला पाट नहीं सकती बीजेपी, उन दोनों में से दोनों के पास है। लेकिन आप ये समझिए कि टीडीपी की सरकार और नीतीश कुमार की सरकार बिहार और आंध्र प्रदेश में बिना मोदी जी के प्रचार प्रसार के भी संभव नहीं था। जिस प्रकार से उनको सीटें आई हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी के अपने वोट, अपने विचारधारा, अपना जो नेतृत्व है, उसका भी योगदान है। और अभी तुरंत ऐसी परिस्थिति में इसका जरा सा भी इसे इतर जाना, मुझे लगता है कि वो अगर थोड़े से भी बुद्धिमान लोग हैं तो ऐसा नहीं सोचेंगे और ऐसा नहीं करेंगे। मेरे सहयोगी नीरज भी इस खबर को लगातार ट्रैक कर रहे हैं। नीरज, यहाँ जो मैं वरिष्ठ पत्रकारों से, राजनीतिक विश्लेषकों से जो बात कर रहा हूँ, चर्चा ये कि भाई एनडीए की सरकार होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होंगे, लेकिन उसमें कितनी शर्तें, कितनी सौदेबाजी होगी, आपकी खबर क्या है? स्मूथ सेलिंग होगी, कोई बड़ी दिक्कत नहीं आने वाली है? जो सामने कहा जा रहा है कि हम सब एनडीए के साथ हैं, वही वस्तु स्थिति है, या अंदर खाने अभी धड़कनें तेज हैं और बहुत सारे पत्ते खुलने बाकी हैं? संदीप, देखिए, अभी फिलहाल एनडीए में तो सब कुछ स्मूथ दिखता है, लेकिन राजनीति में कुछ स्मूथ होता नहीं है। राजनीति में हर आदमी अपने स्टेक को लेने की कोशिश करता है, और जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू दोनों उससे इतर नहीं है। वो दोनों भी राजनीति के पुराने खिलाड़ी हैं और हार्ड बार्गेनर हैं। वो जानते हैं कि इस समय उनकी क्या वैल्यू है, उनका क्या महत्व है सरकार में, इसलिए वो अपना स्टेक लेने का की भरपूर कोशिश करेंगे। लेकिन उनकी पहली प्राथमिकता एनडीए ही होगी। उसके पीछे का कारण ये है क्योंकि किसी नए दल के साथ जाने में बहुत उनके साथ समस्या होती है, क्योंकि दोनों लोगों की जो महत्वाकांक्षा वो ये है कि दोनों प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, और दोनों प्रधानमंत्री बन नहीं सकते। एक आदमी के जाने से सरकार गिरती नहीं दिख रही है एनडीए की, तो दोनों लोगों के सामने ऑप्शन लिमिटेड है। मतलब अगर वो कदम, या तो दोनों एक साथ एक चीज़ों पर एक मत होकर बाहर निकल जाएं, तब तो समझ में आता है कि एनडीए की सरकार किसी तीसरे दल के अप्रोच करे और वहां से लेकर आए और फिर अपनी सरकार बचाए या अपने सरकार में आगे कैरी करे। तो इसलिए मुझे लगता नहीं कि ये दोनों दल एक साथ एग्जिट करेंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।